पार्टी जिन्हों भी टिकट देगी वो झाड़ू निशान होएगा। असी तो तैयारी पिछले काफ़ी दिनों तो कर रहे हैं क्योंकि सानू टिकट मिल चुकी है, साडा चोर निशान है झाड़ू। झाड़ू से जिहड़ा भी कैंडीडेट आएगा वो उसकी जित दे लई असी दिन रात काम करांगे। मैं बाकी सुशील रिंकू जी पूर्व MLA दा आम आदमी पार्टी दे जलंधर वालू वैसत वालू आते स्वागत करदा। मेरी कोई नाराजगी, मेरी नाराजगी कांग्रेस पार्टी तो है, मेरी नाराजगी अकाली दल तो है, विरोधी पार्टियां दे करके बोलना पैंदा। अज मेरी किसी निजी तौर के उत्ते किसी ना कोई भी नहीं है सियासत, सियासत मेरा पार्टी विरोधी है। मैं उन्होंने सुशील रिंकू ने मैं जब भी पार्टी लेवल तो बोलता सी ना कि वह पार्टी यह कर रही है, वो पार्टी यह कर रही है। अज भी बोलांगा, अज भी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बोलांगा, प्रचार करांगा, पर अज असी दोनों अगर इकट्ठे होकर चलांगे मैनू लगता कि जी लोकसभा जी सीट है यह आम आदमी पार्टी झोली च पावांगे। नहीं कोई नहीं, नहीं मेरी परसनल किसी नाल रंजिश नहीं है, मेरी किसी नाल मतभेद हो सकते हैं, लोग किसी हर बंदे परिवार च भी होंगे है, पर पार्टी के मैं कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के इलेक्शन से वो पार्टियां इलेक्शन से अच्छ कांग्रेस उन्होंने छड़ दी है तो मैं उन्होंने आंसर स्वागत करता। नहीं इदा नहीं, मैं इदा की कोई गल नहीं, क्योंकि पार्टी ने मेरे ध्यान से लैके पार्टी ने मैनू पहले, क्योंकि मैं छोटा जा कार्यकर्ता पार्टी का, पर पार्टी ने मेरे उत्ते बहुत वड्डा विश्वास किया। मैनू पहले सारी गल साडी पूरी टीम बैठी है कोर ग्रुप के मेरे ते विश्वास लैके मेरे ध्यान गल लिया के सुशील रिंकू जी ने पार्टी लैके आता। उन्होंने मीटिंग अज जी अज हुई है, बाकी पार्टी लेवल के उत्ते जी है वो ज्वाइन नहीं। तुम देखिए जी पहले इतने पहले मैं पहले मिलिया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले पिछले मिलया से उन्होंने, पर पिछे पिछे सीएम साहब भी आए हो जो ओपनिंग भी हुई है ते उदों तुसीं गैर हाजिर रहे तीन चार। मैं सारे फंक्शन विच एक फंक्शन विच मैं दिल्ली से मैं तां नहीं आ सकिया। सीएम साहब ने मेरे हल्के जलंधर विच करोड़ों रुपया देकर जिहड़ा उन्होंने 30 तरीक नूं उद्घाटन किया, हजे हफ्ते दी तां गल है, एक हफ्ता पहले सीएम साहब उद्घाटन कर रहे मेरे हल्कियां दा, ते इस करके सीएम साहब दा मैं एक छोटा जिहा सिपाही हां पार्टी दा, उन्हां दा बच्चा है, आम आदमी पार्टी दे नाल हां। एक जिहड़ा ईसाई भाईचारे वल्लों राजनीति पार्टी दा ऐलान कर दिता है, यूनाइटेड पंजाब पार्टी नाम रख्या गया, उन्होंने कहा इस बार असीं भी जिहड़ा अपना उम्मीदवार लड़ावांगे चोणां जिहड़ियां अग्गे आउंदियां उन्हां लड़ा, क्योंकि कोई सरकार आ जां कोई राजनीतिक पार्टियां उन्हां दी कोई भी गल नूं मानदियां नहीं, उन्हां दी मंगां नूं नहीं मानदियां हैगियां, ते उन्हां दे लोकां नूं पुछ किछ नहीं। मेरे हिसाब नाल हर एक पार्टी नूं अपने मैदान च उतारना चाहिए, जिद्दां अलग अलग पार्टियां इलैक्शन लड़ रही हैं जे, पर वह किस तरीके उन्होंने की है किन्ने लोग पिछे है ये बारे मैं नहीं पता, पर असी अपनी पार्टी का काम लैके लोगों जाना। अज जिथे बेनीफिट अगर मोहल्ला क्लीनिक मिल रहा और जात पात नहीं पूछी जा रही, और अज एक दलित परिवार का बच्चा भी दवाई लै रहा, और अज एक साई परिवार का भी लै रहा, उस सिख परिवार का भी लै रहा, उस कभी जात पात नहीं पूछी जाती। अज अगर पंजाब के मुख्यमंत्री साहब दियां स्कीमों का लाभ मिल रहा वो हर एक जात पात को मिल रहा, अज अगर किसी का बिजली का बिल जीरो आ रहा और जात पात नहीं पूछी जा रही, पर यह पहली सरकार है एक जिन्हें हिंदुस्तान के अज पंजाब के इतिहास रचा जिहड़ा अज गरीबों नूं मोहल्ला क्लीनिंग का बेनीफिट हो रहा, और तो अलावा जिहड़ा अज लोगों बिजली का बिल जीरो आ रहा। जीरो बिल की गल की तो बहुत ज़्यादा पैसे जो खड़े सरकारी दफ्तर वाले उत्थे दे भी बयान है कि प्रीपेड मीटर भी लगा रहे ना ही बकाया मोड़ रहे। नहीं मेरे ध्यान में नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आंदा, जो कोई दिक्कत आएगी असी सरकार के तौर उत्ते हल करांगे उस चीज़ का। धार्मिक जिहड़ी पार्टी दे आगू ने कहा है कि उन्हां दी पार्टी बनाने जिहड़ी बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं फर्क पएगा, कल्ला आम आदमी नहीं पएगा ना, बाकी पार्टी नहीं पएगा ना, इस करके आम आदमी पार्टी जिहड़ी ये लोकसभा सीट जीती हुई है, इस करके कई लोगों को बुलाहट है, बुलाहट करके नवे नवे रंग लोग करेंगे, पर आम आदमी पार्टी का जिहड़ा भी कैंडीडेट आएगा मैं इस चीज़ की गरंटी देना ये लोकसभा जिहड़ी सीट है उन्होंने झोली च पएगी।